हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बटर गार्लिक नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज हम बिना अवन, बिना तंदूर और बिना ईस्ट के तवे पर बनाएंगे। हमारे गार्लिक नान रोटियाँ बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी जैसी कि रेस्टोरेंट में मिलती है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बटर गार्लिक नान बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गार्लिक नान के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप के लगभग में मैदा लिया है, वेट में 300 ग्राम के करीब होगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे या फिर स्वाद अनुसार नमक ले। और इसके बाद सभी सूखे इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के लगभग में खट्टी दही डालेंगे और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमें बिना फ्लेवर के लेना है, जैसे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होती है वैसा तेल हमें नहीं डालना है इसमें। अब दही और तेल को हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना दूध डाल लेंगे और इसका हम सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। इसका आटा हम दूध से लगाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है इसका, और दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए। इससे हमारा आटा बहुत ही बढ़िया लगकर तैयार होगा और सारी नान रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग में तेल और डाल देंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। आधा घंटा में आटा हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आधा घंटा के लगभग में हो गया है और आटा को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इस तरह से मिला लेंगे इसको 1 मिनट के लिए, जिससे कि नान रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो। इसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लेंगे और उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे बेलेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से पहले हाथों से फैला देंगे ताकि बेलने में आसानी हो। और इसको हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना है, बस 50% तक बेलेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरी के साइज का बेला है। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और उसको चारों तरफ से फैला देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको फैला देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़ा कर इसको हम बेलेंगे ताकि गार्लिक और हरा धनिया नान के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसे पलट देंगे और इसे हम प्रॉपर नान का शेप देंगे इस तरह से। तो इसको हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही पत्ता बेलना है, जैसे नान रोटियाँ होती हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है। और अब हम इसके ऊपर 1/2 चम्मच लगभग हम पानी डालेंगे और पानी को इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे नान के ऊपर। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो इसको हम इस तरह से सावधानी से उठाएंगे और इसको हम डायरेक्ट गर्म तवे पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें लोहे की तवे का इस्तेमाल करना है, नॉनस्टिक तवा नहीं लेना है। या तो आप मिट्टी के तवा ले सकते हैं या फिर लोहे की तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, करीब 1 मिनट के लगभग हो गया। और आप देख सकते हैं नान के ऊपर कितने अच्छे से बबल्स बन गए हैं। नान रोटी हमारी एक तरह से कुक हो गई है। अब हम तवे को पलट देंगे इस तरह से और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे से पका लेंगे चारों तरफ से। फ्लेम को हाई नहीं करना है, यदि आपने हाई किया तो इसमें जो हमने धनिया लगाया है और गार्लिक लगाया है वो जल जाएगा, तो नान की स्वाद अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको अच्छे से घुमा घुमा कर तवे को नान को पका लें, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट नान रोटियाँ बनकर तैयार होगी। फिर नान रोटियाँ हमारी चारों तरफ से अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको पलट लेते हैं और अब देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बिल्कुल तंदूर वाला। अब हम इसको इस तरह से स्पैचुले से हटा लेंगे सावधानी से, और इसके बाद हम गरम गरम नान रोटी में बटर लगा लेंगे। इसे ठंडा होने के बाद इसमें बटर नहीं लगाना है, गरम गरम ही लगाना है ताकि नान रोटी बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक नान बनकर तैयार है। बाकी की सारी नान रोटियाँ हम सेम तरीके से बनाएंगे और इसे आप दाल मखनी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं मैं मोड़ कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और फ्लफी नान रोटियाँ बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।